बच्चों वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम अब तक 3 वीडियोस बना चुके हैं, जहां पर पहली प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो थी दैट इंक्लूड्स द समराइज्ड एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम KUK, वो हम कर चुके थे। फिर उसके बाद हमने 2 वीडियो और बनाई थी। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लोकलाइज्ड बॉन्ड्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सेकेंड वीडियो में वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, अट्रैक्शंस क्या है, साथ ही में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये हम कर चुके थे। अब हम जो इस थर्ड वीडियो में कंसीडर करने वाले हैं दैट इज़ द रेजोनेंस इफेक्ट। ये आपने कई बार सुना भी होगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले देखिए, रेजोनेंस वर्ड आया हुआ है और ये हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं उसके बाद कुछ हम केस स्टडी कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर देर आर 3 मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं सामने। सबसे एक्सेप्टेड जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी कौन सी है, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता है, C डबल बोन O, दैट इज़ द लीनियर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम यदि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की बात करें, नॉर्मल CO डबल बोन की जो बोन लेंथ है दैट इज़ अराउंड 1.22 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इन दोनों ही बोन्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, बोन लेंथ 1.22, राइट। बट एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट इन एक्चुअल द बोन लेंथ ऑफ दीज टू बोथ बोन्स इज 1.15, राइट। सो होना ये चाहिए था जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में हमें सी डबल बोन्ड ओ बोन्ड की बोन लेंथ मिलती है, तो यही होनी चाहिए थी। बट इन एक्चुअल हमें कितनी मिली, 1.15, राइट। तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या हुई कि बाकी सभी मॉलिक्यूल्स में आपकी वो इतनी आ रही है, बट यहाँ पे स्पेशल केस क्या आया ऐसा कि 1.15 है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बेंजीन की कैकुले फॉर्म्स है, 2 कैकुले फॉर्म्स है। यहाँ पे जो नॉर्मल C डबल बॉन्ड C, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 1.34। बट इन एक्चुअल बेंजीन में जब सी डबल बोन्ड सी या सी सी बोन्ड की लेंथ नापी गई वो कितनी थी, 1.39, तो ये भी डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल एक्चुअल में होनी चाहिए थी बोन लेंथ, उससे वेरिएशन आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल CO सिंगल बोन्ड की कितनी है, 1.43, बट यहाँ पे कितनी मिली, 1.36, राइट। तो ये एक्सप्लेन कर पाना नॉर्मल थ्योरी बेसिस पे काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है रेजोनेंस का। और ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या कहता है या रेजोनेंस कंसेप्ट, देर आर सम मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी रिटर्न इन मोर देन वन ल्यूइस स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास यहाँ 2 कैकुले फॉर्म्स थी, जबकि मॉलिक्यूल सेम है, उसके बावजूद आप इन दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं मॉलिक्यूल को, बेंजीन को, राइट। सो वही बात कर रहे हैं कि देर आर सम मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी रिटर्न इन टू और मोर ल्यूइस स्ट्रक्चर्स, ईच वन डिस्क्राइबिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, नॉट ऑल। यानी कि ये मॉलिक्यूल 100% प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन करता, ये मॉलिक्यूल भी 100% नहीं एक्सप्लेन करता, राइट। विच डिफर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी रेजोनेंस में केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन डिफर होगी, पोजीशन ऑफ एटम वेरी नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं भी एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं किया, जस्ट डबल बॉन्ड्स उनकी पोजीशन चेंज की है। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल देखें, यदि हम CO2 में, आपके पास ये CO2 है, यहाँ भी CO2 है, ठीक है। तो रेड में शो किया हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रिपल बोन, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, तो क्या आया, ये मॉलिक्यूल। सिमिलरली उल्टा करेंगे तो ये, तो यहाँ पे CO सिंगल बोन्ड आ गया और यहाँ पे CO ट्रिपल बोन्ड आ गया, ठीक है। सो ट्रिपल बोन्ड भी, डबल बोन्ड भी, यहाँ डबल बोन्ड था, यहाँ सिंगल बोन्ड है, यहाँ ट्रिपल बोन्ड है। तो आप देख सकते हैं हर प्रॉपर्टी
या हर मॉलिक्यूल अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। सो एक्चुअल मॉलिक्यूल इज द ओवरऑल, ये लगा लीजिए इन सब के कहीं ना कहीं एवरेज है, राइट। तो इसी को कहा जाता है रेजोनेंस, जहाँ पे एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होगी, और ओवरऑल द एक्चुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन बिटवीन देम, कहीं ना कहीं बीच में लाइक आता है। तभी तो आप ये देखें, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। CO2 को नॉर्मल C डबल बॉन्ड O 1.22, C ट्रिपल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, दैट इज़ द 1.1। अब डबल बॉन्ड भी है, सिंगल भी, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सो एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ इनकी एवरेज मिली, दैट इज़ द 1.15, यानी 1.15, ठीक है। और सिमिलरली अभी तो हमने केवल इन दो, इस पेयर की बात की, आप सेकंड पेयर को भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। सो दैट्स वाई विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस वी कुन एस्टैब्लिश वाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस बोथ सी डबल बॉन्ड ओ इज इक्वल, और वो डिफरेंट क्यों है नॉर्मल डबल बॉन्ड से, राइट। दैट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। सिमिलरली हम बेंजीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड सी है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए 1.34, यहाँ पे क्या है सिंगल, जिसकी होनी चाहिए 1.54। तो एक्चुअल की कहाँ होगी, इन दोनों के बीच में, सो 1.34 1.54 इनके बीच में आ गया 1.39, राइट। तो सिमिलरली अब यहाँ बात करें हम, यहाँ पे देखिए दो तरीके से दिखाया हुआ है, सी सिंगल बॉन्ड हुआ है, राइट, इस मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, राइट। सी डबल बॉन्ड ओ की कितनी है 1.22, 1.43 किसकी है सिंगल बॉन्ड की, तो दोनों के बीच में आएगी एवरेज, तो एवरेज आई है 1.36 इसकी। ऐसे ही यहाँ पे हम कंसीडर करें, यहाँ क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, राइट। तो सी डबल बॉन्ड ओ की कितनी वैल्यू है 1.22, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि 1.23 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी, क्लियर है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, जहाँ पे आपको इतना समझना है कि एक जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई करता है, बट उसको किसी एक सिंगल स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एटम, राइट। तो इसलिए डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स वो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, जहाँ पे हर स्ट्रक्चर अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है, किसको, एक्चुअल मॉलिक्यूल को, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है, राइट। सो दैट इज द रेजोनेंस, राइट। आगे चलते हैं, तो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड द फिनोमेना ऑफ एग्जिबिटिंग मोर देन टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज ए रेजोनेंस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइज इज वाई द रेजोनेंस हैपन्स, तो उसका आंसर देखिए यहीं पे है, यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे तो देखिए आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन आया बोन लेंथ का, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए देखिए ये आपका 100% नहीं शो कर रहा है, ये भी 100% नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यानी कि इन सभी की प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी आई है जो कि काफ़ी स्टेबल है, राइट। सो द रीज़न फॉर द रेजोनेंस टू शो इज़ द स्टेबिलिटी। सो द रीज़न इज़ द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, सो दैट इज़ वाई ये रेजोनेंस इफेक्ट शो हुआ। दिस स्टेबिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, दैट इज़ द कंसेप्ट, कि ये जो स्टेबिलिटी आई है आपके अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म्स थी, लेट सपोज 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन, और कहीं ना कहीं बीच में ये एक्चुअल स्ट्रक्चर आपके, ठीक है। तो इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आती है वो उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए आपके पास है जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की कुछ ना कुछ एनर्जी है, मान लेते हैं एक कैनोनिकल फॉर्म, सेकंड
थर्ड, ये आपकी सबसे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म है मान लेते हैं, तो एक्चुअल कहाँ लाई करेगा मॉलिक्यूल, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो दैट डिफरेंस बिटवीन द दीज टू फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंस एनर्जी। द डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, कौन सी, दिस वन, एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। तो दोनों के बीच रेजोनेंस एनर्जी, तो रेजोनेंस एनर्जी समझने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बने। सो ग्रेटर डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स, ग्रेटर विल बी द आरई रेजोनेंस एनर्जी एंड हैंस मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, राइट। सो रेजोनेंस एनर्जी इज द इंडेक्स टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। आपका रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा निकलेगी, जितनी ज़्यादा स्टेबल रहे उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। अब रेजोनेंस एनर्जी को कैसे फाइंड आउट किया जाए, अब तक तो हम थियोरेटिकल कंसेप्ट समझ रहे थे। सो देर आर टू मेथड्स, पहला है फ्रॉम द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन एंड अनदर हीट ऑफ फॉर्मेशन। दोनों होते क्या है, देखिए अनसेचुरेटेड कंपाउंड को, वन मोल कंपाउंड को यदि आप हाइड्रोजिनेट करते हैं तो जितनी भी एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि वन मोल कंपाउंड बनने में जितनी आपको एनर्जी देनी है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए बेंजीन की एक्सपेरिमेंटल आर ई वैल्यू कितनी आई है, 150, राइट। तो यहाँ पे थ्री फॉर्म्स हैं, देख सकते हैं इक्वेशन, यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन यानी कि 6 कार्बन है जितने बेंजीन में, 6 हाइड्रोजन भी, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है बेंजीन में चाहिए 3, ठीक है। तो पहले साइक्लोहेक्सीन को जब हम हाइड्रोजिनेट करते हैं, हाइड्रोजन को इस पे ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साइक्लोहेक्सीन, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 1.119 किलो जूल पर 119। अब कॉमन सी बात है, जब एक बॉन्ड में आपकी इतनी हो रही है तो तीन बॉन्ड में कितना होगा, 3 से गुना कर दो, राइट। नाउ दैट इज़ अ थ्योरेटिकल। अब एक्सपेरिमेंटल बेंजीन एग्जिस्ट करता है, साइक्लोहेक्साट्राइन कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो बेंजीन की जब हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट की तो वो वैल्यू कितनी आई हाइड्रोजिनेशन की, 200। नाउ डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज़ द रेजोनेंस एनर्जी, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया, 150, राइट। सो दैट इज़ द मेथड टू फाइंड द रेजोनेंस एनर्जी फ्रॉम द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कंसेप्ट। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन का। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन में आप देखिए यदि ये बेंजीन बनना है तो हमें सी एच बॉन्ड कितने चाहिए, सी एच बॉन्ड कितने फॉर्म करने पड़ेंगे, 6। तो एक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी भी चाहिए उसको 6 से गुना कर दो, प्लस 6 कार्बन भी है सीसी बॉन्ड जिनमें से सिंगल बॉन्ड कितने रहेंगे, 3, 1, 2, 3। सो 3 सीसी सिंगल बॉन्ड प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय सीसी डबल बॉन्ड, राइट। सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद लेट्स सपोज ये वैल्यू आई है 5343 किलो जूल पर, दैट इज़ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विच इज़ थ्योरेटिकल। अब एक्सपेरिमेंटली हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी फाइंड आउट की गई, 5494। थ्योरेटिकल इतनी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल इतनी, दोनों को माइनस कर दो, ये आपका आया 1.1551। सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट टू फाइंड आउट द रेजोनेंस एनर्जी, और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल आपका स्टेबल। आगे चलते हैं, नाउ रेजोनेंस की कंडीशंस क्या क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट के, रेजोनेंस शो करने के देर आर फ्यू कंडीशन। पहली क्या कि केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में चेंज होगी, एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं, प्लैनरिटी होनी चाहिए, ऑल द पार्टिसिपेटिंग एटम देर मस्ट बी प्लेनर, राइट। कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी।
कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी रेजोनेंस हाइब्रिड इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एनर्जी, यानी कि जिसकी ज़्यादा एनर्जी उतना ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सिमिलर, जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगी उनमें एक पोजीशन ऑफ एटम्स तो यहाँ क्लियर हो गया, सेम रहनी चाहिए, साथ ही नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर शुड हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी और स्टेबिलिटी, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म दे मस्ट बी हैविंग सेम और नियरली सेम एनर्जी, दीज आर द कंडीशंस फॉर ए मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट द रेजोनेंस। राइट, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, या आपके पास ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है KUK वगैरह में आता है या फिर आपको आना चाहिए। अब नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-butadiene, राइट। अब इसमें एज पर द रेड के हिसाब से यदि मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये देखिए ये यहाँ गया और ये वाला डबल बॉन्ड आपके इस कार्बन पे आ गया, तो कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे जिससे ये डेविएट किए थे वहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड। तो एक स्ट्रक्चर तो ये है, ऐसे ही अपोजिट माइग्रेट मूवमेंट भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो उस केस में ये स्ट्रक्चर। सो देर आर 3 स्ट्रक्चर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द एक्चुअल मॉलिक्यूल। ओके, अब इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, देखिए इन दोनों में तो डाइपोल बन रहा है, प्लस माइनस अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ भी चार्ज सेपरेशन, बट ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। सो ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ग्रेटर वुड बी द कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे कितने हैं, 5, 2 तो 4, 5 यदि हम CH को एक्सक्लूड कर दें तो। राइट, तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट, और एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन है, यहाँ पे दोनों ही न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा रहेगा, 4 का, यानी कि दिस इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है क्योंकि कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, बट यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। नेक्स्ट, आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इनमें से देखा जाए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाए तो ये बना सकते हैं, बन सकता है, बट इस फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है, दैट इज़ द वायलेशन ऑफ ऑक्टेट। राइट, क्यों, नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 3 × 2 = 6 और 4 = 10, नाइट्रोजन के 10 बॉन्ड बन रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो इसलिए ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स नहीं बन सकती, कैनोनिकल फॉर्म नहीं बन सकती। राइट, सो दिस इज़ इनवैलिड एंड दिस इज़ द राइट। आगे आपके पास ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, सी डबल बॉन्ड होगी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अब तक हमने यही देखा है, बट इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। देखिए यहाँ पर रूल ये कहते हैं, द स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज, स्ट्रक्चर जिसमें नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है जैसे ये, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट कंट्रीब्यूट मोर, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। सो इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका, ये दैट इज द ऑर्डर। राइट, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, OH है। राइट, द स्ट्रक्चर डीलोकलाइजिंग पॉजिटिव चार्ज इज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होकर यहाँ आ गया ऑक्सीजन पे। राइट, ये कंट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज है जो कि लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव, बट फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये 2 फॉर्म्स हैं, ये न्यूट्रल है तो ऑब्वियस है इसका तो ज़्यादा रहेगा, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस हो रहा है,
यह अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने कैप्चर किया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। सिमिलर इज द केस विद दिस वन। ये अनस्टेबल कैनोनिकल फॉर्म रहेगी। वजह क्या है? बिकॉज दोनों नेबरिंग कार्बन ऑक्सीजन पे एटम्स पे सेम चार्ज है, सो हाईली रिपल्सिव है, राइट। सो सिमिलर चार्जेज ऑन एडजस्टेंट एटम्स लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, सो कंट्रीब्यूशन इज इन दिस ऑर्डर, राइट। सो दीज वर द फ्यू रूल्स जो आपको ध्यान रखना है। यदि मैं समराइज करूँ, पहला न्यूट्रल का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सेकेंड आपके पास ऑक्टेट रूल स्पेशली इन द केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स वो वायलेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इफ देयर इज द चार्ज सेपरेशन देन पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा रहे, ठीक है। और लास्ट यदि सिमिलर नेबरिंग एटम्स में सिमिलर चार्ज है देन दैट वुड बी रिपल्सिव इन ऑर्डर, रिपल्सिव रहेगा। सो दिस वर द कंडीशंस एज वेल एज रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द मोर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। अगली स्लाइड पे चलते हैं। द रेजोनेंस हाइब्रिड शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोर स्टेबल मॉलिक्यूल एज वेल एज डिफरेंट बोन लेंथ दैन नॉर्मल बोन लेंथ। तो ये एग्जाम्पल के लिए बेंजीन आपका 151 किलो जूल पर मोल पे है, 13 ब्यूटाडाइन की एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी इतनी है, राइट। तो अब डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। टोटोमेरिज्म का आपको एग्जाम्पल में यदि दूँ सिंपली, वो क्या है, जैसे ये देखिए आपके पास कीटोन है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है सी एच टू वन मोर एच यानी एच थ्री है मान लीजिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप मूवमेंट दिखा सकते हैं इन दिस, कैसे इन दिस वे, ये यहाँ और ये वाला बोन ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी सी ओ नेगेटिव आ गया तो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया सी ओ एच, दिस डबल बोन सी एच टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ टोटोमेरिज्म वेयर द माइग्रेशन इज फ्रॉम वन टू थ्री वन थर्ड माइग्रेशन, हाइड्रोजन आपका माइग्रेट हो गया टू द ऑक्सीजन। नाउ दीज आर द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट, दैट इज द टोटोमेरिज्म कंसेप्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम्स में कोई चेंज नहीं होता, बट टोटोमेरिज्म में अभी अभी देखा हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है सो देट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एटम्स। नेक्स्ट रेजोनेंस में कैनोनिकल फॉर्म्स आर इमेजनरी एंड दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड, बट इन द केस ऑफ टोटोमेरिज्म दीज स्ट्रक्चर्स आर रियल एंड कैन बी आइसोलेटेड। कोई डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट, जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बट देर इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्ट्रक्चर, यानी कि सपोज देर आर वन स्ट्रक्चर एंड टू स्ट्रक्चर्स, दोनों ही टोटोमेरिज्म में है, ठीक है। तो लेट सपोज ये 40% है और ये आपका 60% है, सो देट इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टोटोमेरिज्म, राइट। नेक्स्ट रेजोनेंस लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन आती है, बट इन द केस ऑफ टोटोमेरिज्म देर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट रेजोनेटिंग फॉर्म्स या कैनोनिकल फॉर्म्स दे आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो, कौन सा होता है ये, दिस वन, दैट इज द डबल हेडेड एरो। यहाँ पे इक्विलिब्रियम एरो यानी कि दिस वन, राइट। सो दिस वर द डिफरेंसेस बिटवीन द रेजोनेंस एंड टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे आपको पूरे इसमें मैंने आपको बताया था कि कंजुगेशन पॉसिबल है, यानी कि माइग्रेशन ऑफ डबल मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड इज पॉसिबल विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
राइट, रेजोनेंस जिसको हम मेसोमेटिज्म भी कहते हैं, तो इसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल की चेन पे लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अलग अलग सेपरेटेड रीजन बन जाते हैं, राइट। एंड इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। एग्जांपल हम आगे देखेंगे। अब देर आर टू टाइप्स ऑफ आर इफेक्ट्स। इंडक्टिव में आपके दो इफेक्ट थे, माइनस आई प्लस आई, वही सिमिलर यहाँ पे भी है, माइनस आर इफेक्ट एंड प्लस आर इफेक्ट, टू टाइप्स हैं, राइट। माइनस आई, यदि आप रिमाइंड कर पा रहे हैं, क्या था जिसमें ग्रुप, लेट सपोज सी जी ग्रुप है, नाउ दिस जी ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विड्रोज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिमिलर इज द केस विद माइनस आर इफेक्ट, द ग्रुप विच विड्रोज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, दे आर कोल्ड एज ए माइनस आर इफेक्ट। कैसे, यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड हो है, ऑक्सीजन आपका या सी डबल बॉन्ड ओ, आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो इसने इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, इस रीजन में आ गई ड्यू टू दिस ग्रुप सी ओ ग्रुप। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माइनस आर इफेक्ट, कि किसी ग्रुप ने कंजुगेटिव सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको विड्रॉ कर लिया अपनी तरफ और नेगेटिव चार्ज आ गया और रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन गया। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ माइनस आर इफेक्ट। सिमिलरली प्लस आई था जिसमें आपका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता था, डेंसिटी कार्बन पे जा रही थी। सो इन केस ऑफ प्लस आर इफेक्ट देट इज़ द ग्रुप विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कंजुगेटिव सिस्टम, सो दैट नेगेटिव चार्ज और रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बने, कार्बन की तरफ, और जिस ग्रुप की वजह से हुआ है उसके पास लो डेंसिटी का रीजन बनता है, तो उसको हम कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। याद रहेगा, ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए एसीटोनाइट्राइल है, यहाँ पे अक्राइलोनाइट्राइल में सी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एन है, साइनाइड ग्रुप है, ये विड्रॉ कर रहा है डेंसिटी को, देख सकते हैं। सिमिलरली एन ओ टू, ये आपको ग्रुप्स याद होने चाहिए एग्ज़ाम में, सी एच ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साइनाइड, एन ओ टू, ऑल ऑफ देम शोज माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर के एग्जाम्पल यदि पूछ लिए जाए, हेलोजन्स, हेलोजन्स स्पेशल केस है, मैं फिर बताता हूँ, ध्यान रखना, हेलोजन्स वैसे तो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, बट इन द केस ऑफ रेजोनेंस दे शो प्लस आर, और ये इकलौता ग्रुप है आपका हेलोजन्स का जो ऐसा एम्बिग्यूटी प्रोवाइड करता है, नहीं तो मैक्सिमम जिनके पास माइनस आर इफेक्ट है उनके पास माइनस आई इफेक्ट होता है, और जिनके पास प्लस आर है उन पे प्लस आई होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए ये क्या है ग्रुप, ओ आर, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दिस एन एच टू, दैट इज़ अ अमीनो ग्रुप विच इज ऑल्सो अ प्लस आर इफेक्ट, याद रहेगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, सपोज कीजिए किसी सिचुएशन में आपके पास एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाए जहाँ पे आई इफेक्ट और आर इफेक्ट दोनों अपोजिटिवली ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि आई और आर अपोजिट है, तो उस केस में केवल आर इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। मैंने इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी बताया था कि यदि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही डिसाइड करेगा, वैसा ही केस यहाँ है, यदि इंडक्टिव और आर इफेक्ट अपोजिट है तो आर इफेक्ट है वो डोमिनेट करेगा। एग्जाम्पल आपके पास विनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन के पास माइनस आई इफेक्ट है, सो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इसको विड्रॉ करना चाहिए, बट प्लस आर इफेक्ट भी है जिसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्लू वाली, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, रेड वाली लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो एक्चुअल में आपके पास ये नेगेटिव चार्ज में रहता है, मतलब पोलराइजेशन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, दैट इज द माइनस आई एंड प्लस आई। आगे चलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। पहला, रेजोनेंस केवल कंजुगेटेड सिस्टम में है, ये सैचुरेटेड, यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कौन से होते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास COH है, ऑक्सीजन पे जो नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग, सो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की भी पाई की भी है, बट यहाँ पे केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है। डिलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ कोई डिलोकलाइजेशन नहीं है, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, बट यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं, वो भी किसी वजह से डिस्प्लेसमेंट की वजह से, न कि कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से। सिमिलरली दिस इफेक्ट में बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, जबकि इसकी हमने पढ़ा था इंडक्टिव में, ये केवल शॉर्ट डिस्टेंसेज पे एप्लीकेबल है। सो दैट वाज द रेजोनेंस और इंडक्टिव का डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। हम रेजोनेंस इफेक्ट को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप ये चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ही बताऊंगा। देखिए देयर आर फ्यू एप्लीकेशन। पहली, रेजोनेंस इफेक्ट एक्सप्लेन करता है व्हाई विनाइल एंड अराइल हैलाइड्स। याद आता है कई बार क्वेश्चन, विनाइल, विनाइल सिस्टम कौन सा है, दिस वन, एंड अराइल, अराइल सिस्टम ये है, दे आर लो रिएक्टिव वाइल अलाइल एंड बेंजाइल दे आर मोर रिएक्टिव। ये एक्सप्लेन कौन करता है, रेजोनेंस, कैसे वो देखिए। देखिए यदि आपको विनाइल, पहले तो चारों का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। विनाइल क्या होता है, जहाँ पे हैलाइड ग्रुप हेलोजन वो सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ, ठीक है। एलाइल कब हुआ, कि हेलोजन किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, सैचुरेटेड कार्बन पे दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी बीच में एक कार्बन आ गया, दैट इज द अलाइल सिस्टम। और यही सेम डिफरेंस है अराइल और बेंजाइल में। अराइल में हेलोजन आपका डायरेक्टली किस पे, सी डबल बॉन्ड सी पे, लेकिन बेंजाइल पे जाना है तो बीच में एक कार्बन लगा दीजिए। तो ये देखिए एक कार्बन लग गया बीच में और आपका आ गया हेलोजन, राइट। तो ये तो है चारों का डिफरेंस। नाउ यहाँ पे क्या है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ कुछ हद तक डबल बोन करेक्टर आ चुका है, ऐसा ही डबल बोन करेक्टर यहाँ पे आया, आप देख सकते हैं, राइट। बट ऐसा कोई डबल बोन करेक्टर यहाँ नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। ये यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता भी है तो यहाँ कोई कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये पहले यहाँ से लीव होगा, ईजिली ब्रेक हो सकता है सी डबल बॉन्ड एक्स, और पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ द डीलोकलाइज, स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू। ऐसा ही बेंजाइल में है, बेंजाइल में पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, हो सकता है ईजिली, फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इट डीलोकलाइज ओवर द बेंजाइल, दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई रिएक्टिविटी। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है प्रोडक्ट, दैट इज स्टेबलाइज, बट ऐसा यहाँ पे ये स्टेबलाइज नहीं है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि रेजोनेंस इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आपके हाईली एसिडिक क्यों होते हैं, कैसे। लेट्स सी, यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ड्यू टू दिस रेजोनेंस देर इज़ द समवट डबल बोन करेक्टर है, राइट। अब सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन को रिलीव करते हैं यहाँ से, राइट, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाउ दैट नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज, ठीक है। अब इन दोनों ही फॉर्म्स में, एक फॉर्म्स तो कौन सी है, देखिए ये और सॉरी, हाँ दोनों ही फॉर्म कौन सी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जो कि कम्प्लीटली डीलोकलाइज। स्टेबल कौन सा है, दिस वन, कम्प्लीट ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अनस्टेबल सिचुएशन है रेजोनेंस की, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो जब प्रोडक्ट आपका ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्टेंट कहाँ कन्वर्ट होएगा, प्रोडक्ट में, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। सिमिलरली
एसिडिक स्ट्रेंथ यदि हम अल्कोहल की कंपेयर करें फिनोल के साथ, ठीक है, तो क्या पता लगता है? देखिए यहाँ पे ऐसे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट 10^-16 है, फिनोल में -8, तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? फिनोल। फिनोल आपका ज़्यादा एसिडिक है। एंड रीज़न क्या है? अल्कोहल्स में जब आप हाइड्रोजन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आए ना, दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट डीलोकलाइज, रेजोनेंस कोई नहीं है, कंजुगेशन नहीं पॉसिबल है, तो ये अनस्टेबल है कंपेरेटिवली। फिनोल के केस में देखें, ऑक्सीजन ने आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज ओवर द रिंग, सो प्रोडक्ट आपका स्टेबल हो गया, प्रोडक्ट आपका स्टेबल हो गया, सो एसिडिक करेक्टर बढ़ गया। दैट इज द रीजन व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स। सिमिलरली नेक्स्ट यदि हम कंसिडर करें, जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट पे भी रेजोनेंस का असर रहता है। कैसे? सपोज कीजिए आपके पास इथाइल क्लोराइड है, जहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या आपका नेगेटिव है माइनस आई इफेक्ट की वजह से, सो इन दिस वे, राइट। अब विनाइल क्लोराइड ले लेते हैं इथाइल की जगह, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया जस्ट यहाँ, ठीक है, स्ट्रक्चर यदि कंपेयर करेंगे सो देर इज द सी डबल बॉन्ड सी, सो क्लोरीन क्या शो कर रहा है अब, प्लस आर इफेक्ट, जिसकी वजह से ये आपके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट बन गई। अब डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे क्या था, इस डायरेक्शन में, राइट। सो इन केस ऑफ फिनाइल क्लोराइड, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ड्यू टू माइनस इफेक्ट क्या है ये, लेकिन प्लस आर की वजह से क्या है ये, सो ओवरऑल इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है दैट हैज़ बीन डिक्रीज विनाइल क्लोराइड की, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, इसकी कम है, तो ये एक्सप्लेन हम क्यों कर पाए, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस कंसेप्ट, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल भी हैं जहाँ पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे, यहाँ देखिए NH2, इसका काम क्या है, प्लस आर, इसका क्या है, माइनस आर, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो माइनस आई इफेक्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्यों, क्योंकि NO2 क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है डेंसिटी, तो इस डायरेक्शन में है डाइपोल मूवमेंट, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, तो इसकी भी डायरेक्शन सेम है, सो यहाँ पे दोनों रीइंफोर्स कर रहे हैं एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट्स को, तो इसकी डाइपोल मूवमेंट अच्छी खासी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इथाइल अमीन, इथाइल अमीन कौन सा मॉलिक्यूल है, ये एनिलीन, एनिलीन कौन सा है, बेंजीन पे NH2 पे, और एसिटामाइड, एसिटामाइड कौन सा है, ये CH3CO NH2, इन तीनों का बेसिक कैरेक्टर यदि हम स्टडी करें तो ज़्यादा बेसिक कौन सा है, देखिए ये KB वैल्यू है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, राइट, तो इथाइल अमीन इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू एनिलीन, और एनिलीन इज मोर बेसिक एज कम्पेयर टू एसिटामाइड, तो ये एक्सप्लेन हम किस बेस पे कर पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, कैसे, देखिए यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, कंजुगेशन नहीं है, कुछ नहीं, राइट, सो नाइट्रोजन पे फुल्ली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो दैट्स व्हाई इट वुड बी मोर बेसिक। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस दिस इलेक्ट्रॉन पेयर हैज़ बीन शेयर्ड विद रिंग, राइट, जिसकी वजह से ओवरऑल नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, तो बेसिक कैरेक्टर भी घटेगा, क्यों, क्योंकि लुईस बेस कंसेप्ट कहता है कि बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो यहाँ पे तो डोनेट करने को इलेक्ट्रॉन है बट यहाँ पे कंपेरेटिवली कम है, तो बेसिक कैरेक्टर इसका घट गया और इसका ज़्यादा है। ऐसे ही एसिटामाइड की बात करें तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या हो रहा है, अगेन डीलोकलाइजेशन, राइट, तो जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर इसका बहुत कम है, राइट, सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट्स, एप्लीकेशंस थी, तो कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये दोनों का कंपैरिजन KU के एग्जाम्स में काफ़ी बार आया है। ऐसे ही नेक्स्ट एप्लीकेशन था कि वी हैव डिस्कस द एसिडिटिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड,
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल हैज़ बीन कम्पेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ओनली। डाइपोल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट है वो स्टडी किया, और बेसिक करेक्टर को भी हमने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। सो दैट वॉज द रेजोनेंस इफेक्ट, राइट। अब केवल आपका हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट है जो बच गया है आपके इस चैप्टर में, और ये लास्ट स्लाइड है आज की वीडियो की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट क्या कहता है। दिस इज द फिनोमेना विच इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन। देखिए एक बात तो ध्यान करने की है, आपका चाहे माइनस आर है, मतलब इंडक्टिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, आर इफेक्ट है, सभी में डीलोकलाइजेशन हो रहा है बोन्स का, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का। किसी में डिस्प्लेसमेंट है, किसी में कंप्लीट ट्रांसफर है, राइट। तो यहाँ पे भी आपका डीलोकलाइजेशन होगा किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पाई ऑर्बिटल्स ऑफ डबल बॉन्ड विद सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। दैट इज द रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा पाई कंजुगेशन और नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है, कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये कौन सा बॉन्ड है, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड सी एच, दिस इज द डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, राइट। सो सी डबल बॉन्ड सी का पाई ऑर्बिटल्स ये किसके साथ है ओवरलैप कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के साथ, किसके नेबरिंग कार्बन के सिग्मा बॉन्ड के साथ, जिसकी वजह से कुछ हद तक डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे, लेट्स सी। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH2CH CH3, क्या है, प्रोपीन, वन प्रोपीन, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन्स क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कि रोटेट करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर में शो किया है ताकि आप समझ सकें, यदि ये वाला सिग्मा बॉन्ड कौन सा, ब्लैक वाला, इफ़ दिस इज इंक्लूड इन द सिग्मा पाई कंजुगेशन, तो डबल बॉन्ड कहाँ आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड के शिफ्ट हो गया कहाँ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बचा, कोई बॉन्ड नहीं है, बट स्टिल हेल्ड है, राइट। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और इस कार्बन का पाई बॉन्ड, दोनों के बीच में बॉन्ड बना जिसकी वजह से डबल बॉन्ड आ गया और आपका ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे ही यदि ब्लू वाले को हम करेंगे तो ब्लू वाले केस में आपकी ये स्ट्रक्चर बनेगी, रेड वाले में ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन गलत हैं, एक ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर को यदि आप कंपेयर करें क्या डिफरेंस लग रहा है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव तीनों में है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, यहाँ ये, यहाँ ये, ओवरऑल सेम है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, सीसी नेगेटिव, राइट। तो हाइपर कंजुगेशंस क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जितने ज़्यादा सी एस थ्री ग्रुप आपके सी डबल बॉन्ड सी पे होंगे, ये सी एस थ्री ग्रुप है, उतनी ज़्यादा कैनोन ये हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर बनेगी, उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन की स्ट्रक्चर बनेगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर होंगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। सो दैट्स वाई मोर सी एस थ्री ग्रुप मोर विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड मोर विल बी द स्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंसेप्ट। देखिए काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं मोलिक्यूल्स की वो हम रेजोनेंस इफेक्ट के बेस पे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। वन बाय वन स्टडी करते हैं, जैसे ये क्या है आपके पास, टोलवीन है मॉलिक्यूल, ये सी एस थ्री ग्रुप है, बेंजीन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, इसके ऊपर एक सी एस थ्री है, तो यानी कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड कुड बी इंक्लूड इन द फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, हाइपर कंजुगेशन से, राइट। तो एक हाइड्रोजन की वजह से कितनी स्ट्रक्चर बनी, तीन, कितने हाइड्रोजन हैं, तीन, तीन तीन नो, सो नाइन स्ट्रक्चर कुड बी फॉर्म्ड इन द केस ऑफ टोलवीन,
सो स्टेबिलिटी ऑफ टोलुइन इज मोर एज कम्पेयर टू बेंजीन, राइट। सिमिलरली सब अब यहाँ मॉलिक्यूल देखिए, ये आपके पास चार मॉलिक्यूल है, या इसको मैं यदि थोड़ा बड़ा कर दूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं देर आर फोर एल्कीन, जहाँ पे ये कौन सा एल्कीन है, प्रोपाइन, फिर उसके बाद ब्यूटीन, या आपके पास फिर से थ्री मिथाइल ग्रुप्स आ गए, यहाँ चार, तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स कौन से हैं, देखिए सी डबल बोन सी ये था, इस कार्बन पे सी एस थ्री लगा है तो तीन हाइड्रोजन्स हैं, सो तीन अल्फा हाइड्रोजन। और हम अल्फा हाइड्रोजन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने बॉन्ड यहाँ डोनेट करके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो केवल तीन। सो कितनी स्ट्रक्चर बनेगी यहाँ पे, केवल तीन, राइट। इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सिक्स, थ्री प्लस थ्री, तो कितनी स्ट्रक्चर बन सकती है, सिक्स, ठीक है। अब यहाँ के केस में देखिए कितने हैं, नाइन, सो कितनी कैनोनिकल फॉर्म, सॉरी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, नाइन, और यहाँ पे 12। तो अब मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी आपको बताया था स्टेबिलिटी का कंसेप्ट, जितनी ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, सो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, दिस मॉलिक्यूल, दैट इज द टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड थीन, यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये आपका कम, देन दिस, राइट। सो दैट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, हमें एक्सपेरिमेंटली ये पता लग गया था कि ये स्टेबल है, बट कोई भी कंसेप्ट ये बता नहीं पा रहा था कि वाई दिस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस वन, तो दैट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ओके। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, अब सिमिलरली यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली भी हमें कंसेप्ट मिला क्या, बोन लेंथ का, बोन लेंथ का कैसे, जैसे ये मॉलिक्यूल था आपका, यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है सी सी बॉन्ड, वैसे तो सी सी सिग्मा सिंगल बॉन्ड है जिसकी 1.54 होती है एंगस्ट्रॉम, बट एक्सपेरिमेंटली कितनी मिली, 1.49, तो ये डिफरेंस किसकी वजह से, दैट इज द एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकंजुगेशन, बट हाइपर कंजुगेशन एक्सप्लेन कर रहा है कि वाई दैट इज द डेविएशन ऑफ द बोन लेंथ फ्रॉम 1.54 टू 1.49, राइट। सिमिलरली अनदर एप्लीकेशन क्या है कि जितने भी कार्बोकैटायंस फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके आगे चैप्टर में आएंगे इसी यूनिट में, तो उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहता है, वो हम एक्सप्लेन हाइपर कंजुगेशन के बेस पे ही कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस ऑफ द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, पहला टोलुइन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन किया, एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंटली जो बोन लेंथ का वेरिएशन आया उसको एक्सप्लेन किया, और इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट, राइट। सो ये था आपका ये यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पार्ट हमारा, ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ, तो ये बच्चों आपके सामने सिलेबस है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, जहाँ पे हम यूनिट थर्ड कवर कर रहे हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, और ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ये हम कंप्लीट कर चुके हैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या है, लोकलाइज डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड ये कर चुके हैं, वैन डर वाल फोर्सेस, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड देयर कंपैरिजन और डिफरेंसेस, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट है फ्रॉम माय साइड, कुछ भी डाउट और क्वेरी हो यू आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स जो हम बनाएंगे वो उसमें हम कवर करेंगे आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है और उनका जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स है वो हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो बताना कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ध्यान रखें, सेहतमंद रहें, पढ़ते रहें,
और केमिस्ट्री सीखते रहें, राइट। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।